फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं 26 जनवरी वाला जो फोटो है वो एडिट करना सिखाऊंगा। तो मैं कुछ इस प्रकार का जो फोटो आपको दिख रहा है, तो मैं कुछ इसी प्रकार का फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, तभी आपको सब समझ में आएगा कि ये जो फोटो है कैसे एडिट हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फोटो एडिट करने के लिए मैं पिकचार्ट ऐप का यूज करूंगा। तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ। तो इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, तो आप मेरे टेलीग्राम में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐड फोटो में जाकर अब हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो को ऐड करेंगे। तो इतना होने के बाद आपको देखिए मैं कैसे यहाँ पर ऐड करता हूँ। फिर इतना होने के बाद फिर हमें यहाँ से इसको राइट कर देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएँगे। एडजस्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसका जो है सेचुरेशन जो है उसको हम पूरा कम कर देंगे। तो कम करने के बाद इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब ये जो है पूरा फेस पर अपने जो है ये वाला वाइट वाला जो है इसको हम यहाँ पे पूरा लगा देंगे अपने फेस पे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी एडिटिंग आपको समय समय मिलता रहे। तो देखिए मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, तो आप स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर करिएगा तो आपका भी फोटो कुछ अच्छा ही बनेगा। फिर हम यहाँ से इसको राइट कर देंगे। फिर राइट करने के बाद फिर हम दोबारा ऐड फोटो पे जाएंगे। हम यहाँ पे एक PNG फ्लैग वाला जो है ऐड करेंगे। इसको आप जूम करिएगा, तो जूम करने के बाद इसकी ओपेसिटी कम करके आपको यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे इरेज वाले ऑप्शन पे। इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको आप जो है इन्वर्ट कर दीजिएगा, तो चाहिए तो इसी तरह रहने दीजिएगा। तो इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब ये जो बॉडी के ऊपर जो है ये जो बैकग्राउंड पे आ गया है इसको आप इरेज कर देंगे, क्योंकि ये जो कलर है आपको सिर्फ अपने फेस पे लगाना है। और ये जो कपड़े पे है उसको आप इरेज वाले ऑप्शन पर जाकर इसको आप इरेज कर देंगे। अब ये जो है आप कलर कर देंगे ब्रश वाले ऑप्शन पर जाकर। फिर इतना होने के बाद फिर आपको ये जो है चक्र जो है इसको हम पूरा इरेज कर देंगे, इसको हम अलग से लगाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, तभी आपको सब देखने को मिलेगा मैं कैसे लगाऊंगा। फिर यहाँ से इसको जो राइट करने के बाद और इसकी जो ओपेसिटी है पूरा बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे इसको राइट कर देंगे। फिर दोबारा ऐड फोटो पर जाएंगे। फिर इसको चक्र वाला जो है इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसकी जो है ओपेसिटी मतलब ये जो ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी जो है चक्र की जो है लेंथ हम थोड़ा छोटा रखेंगे। फिर इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर करने के बाद अब इसको जो है चक्र अपने यहाँ पे हम लगा देंगे फेस पर। तो आप अपने फोटो के हिसाब से आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसकी जो ओपेसिटी आप कम कर दीजिएगा चक्र वाले की जो है। फिर हम यहाँ से इसको राइट कर देंगे। फिर दोबारा ऐड फोटो पर जाएंगे। हमें यहाँ पे कुछ और PNG ऐड करेंगे इस दो कलर को। तो ये जो ग्रीन वाला है इसको आप नीचे रखेंगे और ये कलर जो ऊपर रखने के बाद ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो ग्रीन वाला है इसको हम नीचे लगाएंगे। फिर इसको ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें यहाँ से इसको राइट कर देंगे। फिर दोबारा ऐड फोटो पर जाएंगे। हमें यहाँ पर कुछ PNG को ऐड करेंगे। तो आप सभी इस PNG का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो फ्लैग वाला है PNG इसको हम ऐड करेंगे और 26 जनवरी वाला PNG हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे 26 जनवरी वाला जो है, और ये जो फ्लैग वाला है इस पर क्लिक करके और इसको जो है अपने बैकग्राउंड के आगे लगा देंगे। तो इसी तरह होने के बाद अब जो है ये आपको यहाँ पर राइट कर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो फोटो है एडिट हो चुका है। तो आप भी जाकर अपने पिकचार्ट ऐप से यूज करके आप भी फोटो बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जो वीडियो मैं लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले मिलता रहे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ से आपको अपने गैलरी में फ़ोटो को सेव कर लेना है, तो यहाँ से आप सेव कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो अंत करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।